और ये कुछ लोग का ना ये है, मैंने देखा जो लोग यहाँ पे आते हैं नए लोग ना, उनको आते हैं वो 3 महीने कोर्स करने, 6 महीने कोर्स करने, बट उनको 10 दिन 15 दिन में लगता है कि मैं एक्टर बन गया, मुझे ऑडिशन देना चाहिए। ये सही है क्यों? तैयार होकर जाना चाहिए, थोड़ा बहुत तैयार होकर निकल जाना चाहिए। वो आपके अंदर से सेल्फ चीज़ आनी चाहिए कि यार मैं अभी प्रिपेयर हूँ कि नहीं हूँ। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मैं अभी 6 साल से इंडस्ट्री में हूँ और मैं शायद जब मैं आया था मुंबई में, तो मैं आप ही की तरह से यहाँ से सीख के आया था, जयपुर से मैंने जब सीखा था, तो मुंबई जब मैं पहुँचा तो पहुँचने के बाद में मुझे लगा कि मैं थिएटर भी गया था, मैंने 5-6 साल थिएटर करने के बाद में 10-12 प्ले करने के बाद में मुझे कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा, मैं कर दूंगा, बहुत अच्छा कर दूंगा। लेकिन जब मैं पहुँचा तो मुझे चीज़ें बिल्कुल अलग नज़र आई, क्योंकि आप यहाँ अभी आप यहाँ पर बैठे, आपको लग रहा होगा कि हाँ यार हम लोगों ने बहुत सीखा है, हम चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन आप जब बाहर जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपके कॉम्पिटिशन में बहुत सारे लोग होंगे। हाँ, तो वो मेन टास्क है, तो उस पर आपको रुकना पड़ेगा कि भाई अभी मेरे को करना है, क्योंकि वहाँ पर आदमी फेल हो जाता है कि यार फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको ये टूल्स ये अभी से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जब वहाँ से आया तो मैं सब टूल्स वूल्स भूल चुका था, मैं सिर्फ ऑडिशंस पे लगा हुआ था, घर जाता था, सो जाता था, सोचता रहता था यार मेरा हो क्यों नहीं रहा। ठीक है, अब वो सोचने के बजाय आप उस टाइम को उस चीज़ों में दो, टूल्स को तैयार करने में, कि चलो ऑडिशन देके भूल जाओ, होप मत रखो किसी भी ऑडिशन से कि मैंने एक ऑडिशन दिया है कि यार अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्या रीज़न है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, भूल जाओ। आपने ऑडिशन दे दिया, आप भूल जाओ कि आपने ऑडिशन दे दिया। अभी सिर्फ वापस आके वही आपका काम स्टार्ट करना है जो आपको रोज़ करना है, टूल्स, एक्सरसाइज, लैंग्वेज पे काम, वो सब चीज़ें करनी है। ठीक है, जिस दिन आपका होना होगा आपके पास खुद के पास फ़ोन आएगा, मिठाई के लिए जो मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ अभी, उसमें मैंने उसका ऑडिशन बहुत टाइम पहले दिया था, मुझे याद भी नहीं था, उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि भाई आपका उसके लिए शॉर्टलिस्टेड है, तो मैंने कहा मुझे भेजो तो उसे, कौन सा ऑडिशन, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो 50 ऑडिशन्स देता हूँ 15 दिन में। तो जब उन्होंने मुझे भेजा तो मुझे याद आया, अच्छा ये वाला कैरेक्टर के लिए ये ऑडिशन था, और उन्होंने मुझे फाइनल किया लास्ट में। तो मैंने कोई होप नहीं रखी जब मैं स्टार्टिंग में आया, जब मैं मार्केट में उतरा तो मुझे होप होती थी बहुत ज़्यादा कि यार मैंने वहाँ ऑडिशन दिया अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया, होगा कि नहीं होगा। तो वो गलतियाँ आपको नहीं करनी है, ठीक है, आपने जो दे दिया ख़त्म। अब भी आपने वापस आके उसी टूल्स पे काम करना है, अपनी एक्टिंग पे काम करना है, जब होना होगा आपके पास खुद आपके पास फ़ोन आएगा, लोगों से कांटेक्ट में रहो, लोगों से मिलो, बातचीत करो, और ये करो, लेकिन पार्टियाँ नहीं, ठीक है, बैंडर में पार्टियाँ यो नहीं करना अपन को, तो काम पे फोकस ज़्यादा करना है, ये है।